मोरे जिया। अब बताइए कितने सालों से ये चल रहा है? अब वो 11 साल से। दिस इज सो अनफेयर आदर्श। भाई इतनी प्यारी लड़की है, तुम हमें बता देते तो हम मना थोड़ा ना करते। ओके नाउ एनीवेज, यहां दोनों बैठो, डिसाइड करो कि नीचे आकर सबके सामने क्या कहना है। वंशिका के पेरेंट्स आए हुए हैं, ओके? जब दोनों की बातें खत्म हो जाएं, तो नीचे आ जाना, ओके? जय। बाय। आओ तो। वंशिका। बैठो ना। वंशिका, 11 साल पहले हम लोग स्कूल में थे ना? हाँ, और तब से मैं तुम्हें पस सोशल नेटवर्किंग साइट पर मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट सेंड किया था और तुमने एक्सेप्ट किया था। तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, मुझे पता चला। मैंने कैसे भी तुम्हारा नंबर निकाला और तुम्हें मैसेज किया। वंशिका, हम लोग अगर टच में भी रहे थे, पर उसका मतलब ये नहीं कि ये सब ऐसे जल्दी। मामी, मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ वो एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। मैं आ जाऊँगी ना 2-4 दिन में। अपना ख्याल रखना बेटा, हाँ, और जल्दी वापस घर आना। अच्छा, मामू को मेरा सलाम कहिएगा। ज़रूर कह दूँगी। और वो इडियट कहाँ पे? पढ़ाई कर रहा है, तेरी स्टडी रूम में बैठ कर। पढ़ाई? अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ कर ले। अच्छा, खुदा हाफिज। ठीक है। हाँ बाय। हाय। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ? नहीं, मामी कह रही थी कि तू पढ़ाई कर रहा है। हाँ यार, फ्रीडम, मैंने डिसाइड कर लिया। बहुत हो गया यार, मुझे भी टॉप करना है, बड़ी सी जॉब करनी है, बड़ा आदमी बनना है। ख्याल तो अच्छा है। तो आम पापड़ खा रहा है क्या? हाँ। मतलब टेंशन में है? नहीं नहीं नहीं, फ्रीडम फ्रीडम, मुझे क्या टेंशन? बोलेगा या थप्पड़ खाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रीडम। एक्चुअली मुझे तो कुछ बात करनी है। तो वही तो पूछ रही हूँ। फ्रीडम, एक एक लड़की है, राधिका। झूठे, उस दिन पूछा था तो बोला था चेप है। नहीं 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 फ्रीडम, उस दिन तक ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो थी, लेकिन जूलियट भी थी, सायरा भी थी, और फिर सायरा ने फोन करना बंद कर दिया। और जूलियट को तो मैंने खुद ने कहा है यार कि मैं उसे बस दोस्त मानता हूँ। फ्रीडम, तू सुन रही है ना? हाँ, बक। मैं बक नहीं रहा हूँ फ्रीडम। मानता हूँ बकवास करना मेरी हॉबी है, पर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ फ्रीडम। आई डोंट नो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, मतलब सब नॉर्मल था। लाइक क्यूट सी लड़की, कॉलेज में मिली, दोस्ती हो गई यार, पर फ्रीडम, लाइफ में पहली बार किसी लड़की के लिए खुद को बदलने का मन किया, कुछ बनने का मन किया, पढ़ाई करने का मन किया फ्रीडम। बेटे, तू तो इश्क में है। फ्रीडम, ऐसा कुछ नहीं। अरे ऐसा तो रो क्यों रहा है? तुझे मिस करता हूँ यार, तो यहाँ पर सब कुछ इतना आसान हो जाता। मैं आ रही हूँ ना 2-4 दिन में, तो रोना बंद करना, रोत लू कहीं का। अरे और मैं रोत लू नहीं हूँ। पता है मेरा भाई रॉकस्टार है। अब सुन, मैं आ रही हूँ, तो मेरे आने तक का वेट करना, ठीक है? हाँ, वक्त ही रहे। बकूंगी ना, क्योंकि केस के साथ साथ तूने मुझे टेंशन भी दे दी है। सुन,
मिलकर हम लोग प्लान करेंगे और सोचेंगे कि आगे क्या करना है। पर मुझे एक बात बता, कल रोज डे में उसको रोज दूं या नहीं? यार ये रोज डे का चक्कर मुझे समझ में नहीं आता है। फ्रीडम यार तो कितनी बोरिंग है ये। आदर से ना क्या टाइम पास कर रहा है, तुझे रोज रोज क्यों नहीं देता? यहाँ पे हम लोग तेरे बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये आदर सिन्हा कहाँ से आ गया? क्योंकि फ्रीडम, तू माने या ना माने, तेरी जिंदगी में इश्क ना सिर्फ वही आदमी ला सकता है। अच्छा एनीवे, कमिंग बैक टू माय टॉपिक, मैं राधिका को रोज दूं या नहीं? सुन, तो मुझे कल सुबह तक का टाइम दे, कुछ सोच के बताती हूँ मैं। चल ठीक है। पागल कहीं का साथ, अपने तो टेंशन दे दी और स्पेथिन की बात करके और भी टेंशन दे दी मुझे। मुझे सब नॉनसेंस सोचना भी नहीं है, मैं केस इन्वेस्टिगेट करने आई थी वही करूंगी। तो फोकस ऑन दैट। मेरे पति यहाँ आए तो पड़ोसियों से पता चला कि इस सुभाष जी पर कोई केस चल रहा है। केस? कौन सा केस? कोई बनवारी लाल है जिन्होंने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई कि वो लीला जी के पहले पति है और तुम गीता नहीं उनकी बेटी सुधा हो। कौन है आप, कहां से आई हैं और मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैं अभी मालकिन को सब बता देती हूँ। मालकिन, 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 तुम तो बात का बुरा मान गई, मुझे क्या फर्क पड़ता तुम्हारा नाम सुधा हो या गीता। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने पूछा क्या हो रहा है और तू तू क्या कर रही है यहाँ पे? मैं तो बस। कितनी बार तुझसे कहा है अजनबियों से बातें मत किया कर। नहीं और तू तू इस टाइम यहाँ क्या कर रही है? जी वो हाँ मैं पानी पी रही थी। कसम खा दे रहा? ऊपर सो रहे वो, मैं भी चलती हूँ। हाँ एक मिनट, पानी लेने आई थी ना? जी जाना था। एक दिन पूरा गुजर गया, कुछ काम भी नहीं हो पाया। अब सुहासिनी मैम को भी तो नहीं पता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है। आदर्श ने बता दिया होगा, मैं अपना रिपोर्ट दे देती हूँ। मोरे जिया